तीनों ने नहीं खाया? नहीं, आ रहे दो जल्दी आप है दाब के खा लियो खाना, ठीक है? खा लेना और मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? ठीक है ना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। और भाई आज अपना 75 हार्ड डे चैलेंज का छठा दिन है, तो भाई आज भी अपन वही काम करेंगे। पहले सबसे पहले तो जाएंगे इस यहीं पे रेस्टोरेंट से खाना वाना पैक करवाएंगे। अब थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, अब तो कल वाला टाइम ही हो गया, 2-3 बज चुके हैं। तो अब कोई ना फैमिली भी इशू भी होते हैं कुछ ना कुछ, तो बस वही है, बस वो पैक करवाता हूँ। अभी तो मैं राहुल को लेने आया हूँ, तो यहीं पर हूँ। देखो राहुल को लेने आया हूँ, राहुल आते ही फिर हम डायरेक्ट सीधा वहीं जाएंगे रेस्टोरेंट, वहाँ से पैक करवा के। और आज देख रहे हैं हम आज कहीं दूसरी जगह जाएँ, तो हम 200 से होते उधर गए थे, क्या बोलते वैशाली, 2-3 दिन से वैशाली जरा। आप सोच रहे हैं कि 200 में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, कि पास में ही दे देंगे वो, क्योंकि वहाँ पर भी नीडेड लोग रहते ही हैं, आसपास होते लोग मिल जाते, कोई ना कोई तो मिल जाता, बट कुछ अच्छे को ही मिले मैं तो ये मानता हूँ। बट देखते हैं क्या सीन होता है, अगर हमें अगर जिसके नसीब में वही बात होती है, वो दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वही सीन होता है। तो देखते हैं आज के दाने पे किसका नाम लिखा हुआ है, तो उसी को मिलेगा। अपन कितना ही चाहे कितना ही कि आज इसको नहीं उसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसका मन करता, जिस पे मन आ जाता है कि आज अपने दिल बोल देता है कि भाई मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इस बंदे को आज दे दूँ, तो अपन उसी को दे देते हैं। देख अब वो कहीं पे भी मिले, वैशाली मिले, 200 से मिले, या 200 फीट बाईपास मिले, तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो फिलहाल राहुल आ जाए तो हम सीधा वहीं निकलेंगे रेस्टोरेंट, क्योंकि बारिश भी आ रही है, मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, अजीब सा आ रही है, रुक रही है, जा रही है, ऐसे ही हो रहा है बारिश का। तो जल्दी से अपना भी काम कंप्लीट कर ले, आज छठा दिन कंप्लीट करें। लेट्स हेलो जी गाइस, आप सोच रहे हो कि यार ये हेलमेट लगा रहा था, लगा रखा था, और अब सीधा गाड़ी के अंदर कैसे आ गया? तो भाई बात ऐसी है कि हमारे क्या पहले बारिश आ चुकी थी, बहुत खतरनाक बारिश आ गई थी, तो फिर क्या गोप्रो भी भीग जाता, इसलिए हमने फिर कैंसिल कर दिया। फिर घर गए वापस, मैं राहुल को लेके ही सीधा घर गया, वहाँ से गाड़ी उठाई। ये देखो हमारा गोप्रो भी पीछे पड़ा है, कैमरा भी। तो अब सीधा यहाँ से राहुल कुछ लेने के लिए रुक गया यहाँ पे फैंसी स्टोर पे, देन उसके बाद में हम सीधा वहीं जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम पैक ही करवाने जा रहे हैं, और फिर सीधा निकलते हैं जरूरतमंद को खाना देने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं हम। तो राहुल भी आ चुका, ये देखो क्यों गया था रे, क्यों गया था भाई? रुमाल लेने के लिए गया था, रुमाल लेने के लिए गया था, नहीं लग रहा था क्या? अब कहीं से जाके कैप लेंगे। तो हमेशा की जैसे आज भी वेट कराना पड़ रहा है हमें, ये वेट कराना बहुत मुश्किल हो रहा है यार, और कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए सॉन्ग बंद कर रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी दे दिया उन्होंने, वैसे जल्दी तो दे दिया, मतलब डेली से, डेली के लिए तो बोल नहीं सकता, मतलब डेली 15-20 मिनट लेता था, आज मैक्सिमम 10 मिनट में तो दे ही दिया, ये 10 से या 12 मिनट लास्ट। ये देखो अपनी थाली पैक हो गई और सीधा निकल रहे हैं, और भाई भी चेंज हो गया, ड्राइवर सीट चेंज कर ली है मैंने, क्योंकि मैं खाना पकड़ा हुआ ना, तो इसलिए ये थोड़ा परफेक्ट है मुझसे भी, इसलिए मैंने इसको दे दिया। बाकी मेरा व्लॉग नहीं बनता ना, मेन रीजन तो यही है अपना, मेन रीजन तो यही है गाइस, अपना व्लॉग नहीं बन पाता, इसलिए मैंने इसको ही दे दिया। बट कोई ना, आप सीधा अपन वहीं निकल रहे हैं, कोई मिल जाए आज जल्दी से, फिर वापस निकलेंगे घर पे, क्योंकि आप देख ही रहे हो आप हम कितना जल्दी कर रहे हैं, और शक्ल से देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये रुमाल भी क्यों पहन रखा है। तो वही से हमारे घर में कुछ डेथ हो गई, इसलिए पर ये काम भी हमारा बोला हुआ था, मतलब जो 75 डे हमने चैलेंज करा था वो ये बोला हुआ था, इसलिए हम कंटिन्यू रख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि हम स्किप कर रहे हैं कि एक दिन छूट जाए दो दिन, भाई फिर भी टाइम निकाल के हम आए हैं और खाना देखे ही जाएंगे, क्यों भाई? सही बात है भाई, जो बोला हुआ है उसको तो पूरा करेंगे ना, यही है। तो ये व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाए वो कह नहीं सकते, मतलब नीचे हो सकता है उससे ज्यादा, टाइमिंग में या व्लॉग थोड़ा बड़ा या छोटा होने में, बस इसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। व्लॉग पूरा आएगा, मतलब डेली आएगा जो भी सीन है व्लॉग का, और बस हम नहीं चाहते भाई कि कोई आज हमारा खाना छूटे और किसी एक बंदे का पेट ना भरे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कंटिन्यू रखेंगे पूरे 75 डे, कुछ भी आए चाहे हमें रात को ही दें क्या आना पड़े, भाई रात को भी मिल जाते हैं जो भूखे पेट सोते हैं, रात को मिल जाते हैं ना, हाँ भाई रात को नहीं खाता किसी को, रात को नहीं मिल पाता, अभी तो चलो हम इतना है कि कोई दिख जाए हमें, कोई दिखता हुआ मिल जाए, बाद में हम कहीं जाएंगे तो कहीं ऐसे मिलेंगे कहीं झोपड़पट्टी में जिनको खाना भी नहीं मिलेगा भाई, वही चीज है भाई, तो रोड पे सोता हुआ, हाँ वही है जो बिना भूखा भी रहेगा, तो भाई मिल ही जाता है हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जल्दी दो सुबह दो, जो भी कितनी आबादी है भाई, कोई ना कोई मिल ही जाता है, थोड़ा वो घूमना और पड़ जाएगा लेकिन कोई ना कोई मिल ही जाता है, पर अपन कंटिन्यू रखेंगे 75 डे, ऐसा आज 6 डे अपना, तो इसको भी जरूर पूरा सपोर्ट रखो बस आप, बाकी हमारा यूं ही चलता रहेगा, आप भगवान की दया से ऊपर वाला है सब है जो करवा रहा है।
खाना खाया कोई? हां भैया। खाया ही नहीं था खाना आज तुमने? नहीं। तीनों ने नहीं खाया? नहीं। आ रहे दो मुझे तो अब हालत है। आप है हां कर नहीं खाते। दूर आ गया अब खाना खाओ गया? हां। क्या है पुराना सपनों के आगे दिल मेरा भागे और पीछे जमाना आगे और पीछे जमाना न सोचे न समझे क्या है ना। हमें कुछ बंदे मिले हैं ना और जो खाना एक्चुअल में खाए नहीं थे राहुल इस पेड़ के नीचे लगा। अब देखो खाना देते हैं ना खाना खाने लगे यार कसम से नीडर खा लेना दाप के खा ले हो खाना ठीक है खा लेना और मिल जाएगा तुम्हें ठीक है ना। चलो पेट भर के खाना खाओ। वाह यार नाइस यार बंदे क्या मस्त बंदे थे यार भाई ऐसे ही है भाई बच्चों के लिए भाई यार दिल खुश हो गया आज तो इनसे ये आज कसम से दिल खुश हो गया इनसे ये नहीं पता अब भाई हमें तो पता क्या लग रहा है भाई ये भूखे थे ये बंदे कसम से हम जा रहे थे कहीं हमें 206 में हमें कोई भी बंदा नहीं मिला खाना देने के लिए। एक अंकल मिले थे तो उनको नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी था उनके पास मना कर दिया वो कि हम मेरे पास है खाना मैं हमने नहीं दिया फिर दिखाया नहीं था हमने पहली बात तो। और अभी हम यहाँ पे बत्ती पे रुके थे बत्ती वापस रिटर्न माना बत्ती पे रुके ही थे हम और ये बच्चे आ गए बैलून लेके कि भैया 10 रुपये का। मैंने बोला अच्छा कितने का मैंने पूछा पहले एक्चुअली में फिर बोलते हैं भैया 10 रुपये का है। तो मैंने बोला क्यों क्या करते हो आप कहाँ से हो? बोलते हम कनकपुरा से हैं और खाना नहीं खाया हमने। मैंने बोला अच्छा खाना नहीं खाया तो मैंने दे दिया खाना पता है। फिर मैंने इनको एक बैलून भी खरीद लिया 10 रुपये दे के फिर मैंने वापस भी दे दिया उनको। वो दूसरा बोलते हैं भैया मेरे को भी दो 10 रुपये। मैंने बोला एक काम कर अब है ना तू इस बैलून को बेच ले। हाँ, सही मैं क्या करूँगा इस बैलून का जो मिलेगा वो तू रख लेना भाई। इधर दबा के चल है ना तो चल। अब उसके बाद मैंने यार ये बंदे ना कसम से यार खाना देते है ना खाना खाने लग गया यार क्या दिल को खुश हो। पहली बार बंदा कोई मिला है ना जिनको अपन खाना दिया और वो एंड टू एंड खाना खाने लग गया। पहली बार ना आज ये तो अभी भी यार इन बच्चों को दोबारा बता देता हूँ। ये देखो खा रहे हैं वो खा रहे हैं ये थोड़ा लग रहा है इनको ये देखो। तो भाई अब हमारा काम हो चुका है भाई आज का डे भी कुछ भी वर्ड नहीं है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है भाई। देखो इतना बुरा भी नहीं है हमारा दिन अच्छा जितना बढ़िया था उतना क्या है बच्चों के लिए जो हमने खाना लिया था वो हमने उन्हें दे दिया है। और भाई अब हमारे काम के लिए निकलेंगे और घर पे भी जाना है भाई। देखो इस चीज में हमें घर पे भी मौजूद रहना बहुत जरूरी है। हाँ तो इसलिए हमने ये सोचा था कि जल्दी जल्दी जो भी अपना काम है कंप्लीट जो भी दिखेगा अच्छा सा कोई अच्छे से बंदे दिखेंगे जो भी हमें लग रहा है कि भाई इनको जरूरत होगी। पहले हमने पूछा भी है उनसे कि खाना खाया नहीं खाया ये तो है मना कर दिया तब हमने उन्हें खाना दिया। एक चीज खाना देते खाने लगे खाने लगे वो है ना मेन चीज। अच्छा यही चाहिए था भाई जिनको एक्चुअल में नीड होती है खाने की और आज इन बच्चों के सामने ऐसे लगा कि इनको एक्चुअल में थी भाई नीड ये चीज। अब बाकी उसका हमें नहीं पता देखो लेकिन जब हमने दिया है खाया है उन्होंने ये अगर ये खाना नहीं गया ना तो इनका यही मतलब भाई इन्होंने खाना नहीं खाया था भूखती देखो भूखती और खाना नहीं खाया था इन्होंने जाते खोल के खाने लग गए ये खाना। चलो बढ़िया है अपन अब अपने घर पे निकलते हैं बाकी अपना छठा दिन भी कम्प्लीट हो चुका भाई। जो उम्मीद से अपन निकलते हैं ना एक बार स्किप करने की सोच रहे थे बट नहीं करे बट अच्छा हुआ आज इन बच्चों ने ये 3-4 बच्चे थे ना चार बच्चे चारों बच्चों का खाना भरेगा हमने तो दी थी एक थाली पर चारों बच्चों ने और चारों आपस में खा रहे हैं चारों ही आपस में खा रहे हैं चारों आपस में ये भी एक वही होती है टीम वर्क इनका टीम वर्क था इनका टीम वर्क देख लो भाई और चारों ने मिल बांट के खाया खाना साथ में चारों बढ़िया है अच्छी बात है ना। चलो अपन भी निकलते हैं हमारे भी काम से हम निकलते हैं निकलते हैं। लो जी गाइस हम घर आ चुके हैं राहुल को भी ड्रॉप कर दिया मैंने और अब कल भी वापस आएंगे ऐसे ही अपना रिटर्न कंप्लीट करने के लिए 7 डेज है कल। और इस वीडियो को करते हैं यही एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और भाई लव यू बस सपोर्ट बनाए रखो आप।